एंड राम राम सभी को। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी मस्त होंगे। और मैं आज बेटर फील कर रही हूँ। कल पूरा दिन ऐसे ही पड़ी रही थी और मैंने काफी सारी कॉफी भी पी, तब जाके थोड़ा अच्छा लगा मुझे। और विनीत जी दवा भी लेकर आए थे और मुझे इंजेक्शन भी लगा, यानी बीपी लो का लगा था क्योंकि बहुत ज्यादा डाउन हो गया था। इस वजह से मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था बिल्कुल भी। तो आज मैं कोई व्लॉग नहीं लेकर आई हूँ, बस आपसे ऐसी बातें करूंगी। मेरा बातें करने का मन था और कुछ कमेंट पढ़ूंगी जिनमें कुछ क्वेश्चंस भी हैं, तो मैं उनके आंसर जरूर दूंगी। और जो मुझे फुल सपोर्ट करते हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं, मैं उनके नाम भी लूंगी। तो आप उनके भी सपोर्ट किया कीजिए, वो बहुत अच्छे लोग हैं। और एक सिस है मेरी प्यारी सी, वो उनका नाम मतलब उनका एक चैनल है के कपूर व्लॉग इंडियन के नाम से, उनका अभी अभी मोनेटाइजेशन ऑन हुआ है। तो प्लीज आप उनकी वीडियो वॉच कीजिएगा और एड जरूर देखिएगा, एड स्किप मत कीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। तो मैं ना कमेंट पढ़ने वाली हूँ। ये अर्जुन जी हैं, इन्होंने मुझे कल कमेंट किया था कि मैम कहीं आपको नजर तो नहीं लग गई। तो भैया पता है मेरे घर वाले भी, मतलब मेरी मम्मी बोलती हैं ऐसा कि बेटा तुझे कहीं नजर तो नहीं लग जाती, कि पहले तो इतना काम नहीं करती थी और अब बहुत ज्यादा काम करने लगी है, थोड़ी ठीक ठाक भी लगने लगी है, कहीं तुझे नजर तो नहीं लग जाती, काला धागा बनवा लें। तो मैं सोचती यार मेरे घर के ही आप लोग भी ऐसा बोलोगे तो पता नहीं क्या होगा मेरा। ये भाई नजर वजर का कुछ ऐसा नहीं है। और एक माया देवी जी हैं, वो बोल रही थी शालिनी कैसी हो, जय माता जी, माता जी चरण स्पर्श करना, आप फटाफट काम कर लेती हो। क्योंकि मैंने ना उस दिन बोला था ना मुझसे दो दो तीन तीन काम एक साथ नहीं होते, तो दी वैसे मैं एक दो काम तो कर लेती हूँ साथ में, पर होता ना कि भाग दौड़ करके काम करना वो मुझसे नहीं होता। तो ये काफी अच्छी दी है, हमेशा मेरी वीडियो वॉच करती है। और ये है मेरे इमरान भाई जो मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं, बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं मेरी। ये बोल रहे हैं ब्यूटीफुल व्लॉग सिस्टर, सिस मेरा दिल करता है मैं तनु को अपने साथ दुबई में अपने घर रख लूं, वो चॉकलेट खाए, खूब घूमे, खूब मजे करे। तो भाई मुझे भी साथ ले चलो, मैं भी खूब घूमूंगी, खूब मतलब मजे करूंगी। चॉकलेट क्या, मैं सारी चीजें खाऊंगी वहां की। मैं पता है कभी घर से बाहर ही नहीं जा पाती, मेरा बहुत मन करता है कहीं घूमने का, पर क्या करें घर के हालात ही ऐसे हैं कि हम कहीं जा नहीं पाते। सब मुझसे बोलते भी हैं यार तू पढ़ी लिखी है, शहर से है, तेरा मन नहीं करता कहीं आने जाने का, घूमने का, घर में फोर व्हीलर है, सब चीज की फैसिलिटी है, फिर भी तू कहीं नहीं जाती है। तो भाई एक होता ना कि हमें मतलब जब घर की देखभाल हमारे हाथों होती है ना, तो फिर चारों तरफ देख के जब आगे कदम बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि घर में कोई है नहीं हमारे सिवा, हस्बैंड वाइफ के सिवा, मम्मी एजेड है तो वो कुछ कर नहीं सकती हैं। ये है मेरी फ्रेंड शैली शर्मा, आप इससे मिल चुके होंगे। ये बोल रही थी आई प्राउड ऑफ यू, मेरे यारा को सब आता है। तो यार जिस माहौल में हम जाते ना, धीरे धीरे वहां जाके सब कुछ सीख जाते हैं। और मैं करती हूँ एक साथ दो तीन काम, अच्छी बात है यार, कर लेती है, मुझसे नहीं होता। और इनके चैनल हैं, ये हैं संध्या व्लॉग किचन, ये काफी अच्छी हैं, इनको भी सपोर्ट कीजिए सब। और चेतना व्लॉग हैं और उम साबिल हैं, इनकी बात बताती हूँ मैं आपको। मुझे इनकी लैंग्वेज नहीं आती है, ये उर्दू बोलते हैं, आई थिंक ये किसी और कंट्री से हैं। तो और शायद मुझे नहीं लगता कि ये भी मेरी लैंग्वेज समझ पाती हैं, शायद समझ लेती हैं तभी कमेंट कर देती है। तो ये काफी अच्छी सिस हैं और मोमडन हैं, मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि ना ये मेरी वीडियो वॉच करती हैं, इनको समझ में आता है सब कुछ। और मैं पता है मुझे इनका कुछ भी समझ में नहीं आता, मैं बस वीडियो देख के ही इनका मतलब अनुमान लगा लेती हूँ कि ये क्या कह रही है, क्या बोल रही है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है इनका व्लॉग। और ये मेरे ट्रैवल दीपक भाई हैं, ये बोलते हैं यू आर लुकिंग लाइक यशोदा मैया जब आप मठा चलाती हो। थैंक यू भाई, मुझे पता है मैं जब ना अपने बेटे को, मेरा बेटा जिद करता है ना,
तो मैं भी है ना कुछ ऐसे ही उसे गोद में बिठा के और उसे ना ऐसी बोलती हूँ कुछ ऐसी। पहले ना बुजुर्ग लोग गाना गाते थे, झल्लर मल्लर दूर चलावे जाट नी को छोरा रोवे, या फिर है ना यशोदा मैया का। तो ऐसे ना मुझे भी आपने ये कमेंट किया ना, मुझे अच्छे से याद आ गया। मैंने कहा हाँ ऐसा लगता है जब मठा चलाते ना तो, और बच्ची को गोद में बिठा लू ना तो एकदम यशोदा मैया जैसी फीलिंग आती है। और एक सौम्याज वर्ल्ड है, इनका भी चैनल है, ये काफी अच्छी सेस हैं। और एक सागर ट्रू शायर है, ये बहुत ही अच्छे भाई हैं। ये ना न्यू रिंगटोन्स के मैस मतलब और स्टेटस डालते हैं, काफी अच्छे अच्छे स्टेटस डालते हैं। और ये मेरी नैनीता सिस हैं, ये यहाँ की नहीं है, आउट ऑफ कंट्री की हैं। और ना इनको हमारी लैंग्वेज समझ में आती है, ना मुझको इनकी लैंग्वेज समझ में आती है। बट ये इंग्लिश में बोलती हैं तो मैं समझ जाती हूँ, पर इनको कुछ समझ में नहीं आता है, तो मुझे इनको रिप्लाई करना होता है जो भी ये पूछती हैं। दीपा कॉर्नर व्लॉग हैं, ये भी बहुत अच्छी सिस हैं, ये हमेशा सपोर्ट करती हैं, अभी अभी मुझसे जुड़ी हैं। एक आबिद जैनी हैं, ये भी मेरे पाकिस्तानी भाई हैं, दुबई में रहते हैं। और एक प्रशांत निकम जी हैं, ये बोलते हैं ब्यूटीफुल 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 लुकिंग शालनी, थैंक यू भाई। ये साजिया व्लॉग इनका चैनल है, ये मुझसे क्वेश्चन कर रही थी, बाल कुछ ने बेचने वाला है, रेवड़ी बेचने वाला है और गजक अभी भी चल रही है और भेलपूरी। तो ये मुझसे क्वेश्चन कर रही थी कि दी आप मतलब क्वेश्चन भी कर रही थी और मेरी तारीफ भी कर रही थी कि आप साड़ी बहुत अच्छे से बांधती हो, तो थैंक यू सिस, ये मुझे बहुत लोग बोलते हैं। और मैं कहती हूँ कि मुझे इतनी अच्छे से नहीं आती शायद, पर आप लोगों को पता नहीं क्यों अच्छी लगती है। और इन्होंने क्वेश्चन किया था मुझसे, सिस जरूर बताना प्लीज, जो गूगल से एड एक से ज्यादा लगते हैं वो हट गया है, क्या समझ नहीं आ रहा सिस? मेरे साथ भी ऐसा हुआ था एक्चुअली। क्या है ना, जब हम बीच में शॉर्ट्स वीडियो डालते हैं ना, तो मैंने भी कुछ शॉर्ट डाली थी वीडियो, जैसे 5 मिनट की, 4 मिनट की या फिर 2-3 मिनट की, तो तब से मेरे साथ ये हुआ था। मेरे ना जहाँ मिड्रोल से जहाँ पे हम मल्टीपल एड लगाते हैं ना, वहां जा रही थी ना, तो वहां से लग ही नहीं रहा था। तो मैं सेटिंग में गई, सेटिंग में चैनल पे जाना, वहां पे 3 ऑप्शन होते हैं, एक एडवांस सेटिंग का होता है और एक और होता है और एक मोनेटाइजन का आता है। तो आप मोनेटाइजन पे जाना, वहां पे ना ड्यूरिंग एड पे जाके क्लिक कर देना, अगर क्लिक है तो एक बार हटा देना और थोड़ी देर के लिए ऐसे रहने देना और फिर दोबारा लगा देना, अगर नहीं लगा हुआ है तो वहां पे जाके ओके कर देना, तो आपका 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। मैंने तो सिर्फ ऐसे ही किया था और मुझे पता नहीं, मेरा भी बंद हो गया था, मल्टी एड लग ही नहीं रहे थे, मैं भी बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। तो आप ऐसे करके देखना। और अगर आप वाईटी से एड लगाते हैं तो भी ऐसा हो जाता है कि हम लोग ना वाईटी से ड्यूरिंग एड लगा के छोड़ देते हो और क्रोम पे जाके नहीं लगाते हैं, तब भी ऐसा ही हो जाता है। तो मैं हमेशा क्रोम से ही एड लगाती हूँ, मैं वाईटी से अपलोड कर देती हूँ, कुछ एडिटिंग कर देती हूँ, पर मैं वहां से एड नहीं लगाती, मैं क्रोम पे ही जाकर एड लगाती हूँ। और एक लर्न स्ट्रेचिंग है, ये अपने चैनल पे ना सिलाई कटिंग वगैरह सिखाती हैं, ये काफी अच्छे सिस हैं, ये हमेशा सपोर्ट करती हैं मुझे। और एक धरनी शाहू भाई हैं, ये उड़ीसा से हैं, सच में बहुत ही अच्छे भाई हैं, ये कभी भी मेरा वीडियो देखना नहीं छोड़ते। और हमारी प्यारी रेखा सिस हैं, रेखा गेडवानी, इनका चैनल है, ये हमें टिप्स देती हैं मतलब स्किन के लिए, हेयर के लिए, काफी अच्छा चैनल है, आप इनका वॉच करना। और एक है पोपट कारवेद्र, ये ना गुजरात से हैं आई थिंक, और ये हमेशा मुझे कमेंट में राम राम लिखते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है सच्ची में। राम राम बोलना और लिखना या किसी से कहना मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। ये मेरे पाकिस्तानी भाई हैं, मुवस्सर नाम है इनका, ये मुझसे बोल रहे थे दी आपको कुकू की याद नहीं आती, आपका मन लग जाता है। भाई सच्ची बताऊं ना, हर माँ को अपने बच्चे की याद आती है, बट ये है कि मुझे यहाँ से ज्यादा उसका वहां रहना अच्छा लगता है, क्योंकि है ना उसे यहाँ पे वो फैसिलिटी नहीं मिल पाती जो एक बच्चे को मिलनी चाहिए। और पता है एक चीज मुझसे बोल रही थी, वो यहीं आसपास की है हमारे, वो बोल रही थी आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, तो देखिये मेरे बच्चे किसी अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ते, किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं पढ़ते, मेरे बच्चे जो गाँव के नॉर्मली स्कूल होते हैं ना वो वहां पढ़ते हैं। आप यकीन नहीं करोगे, मेरे बच्चे मतलब अभी तनु तो पढ़ रहा नहीं है, कुकू ही पढ़ रही है, वो ऐसे स्कूल में पढ़ती है जहां पे बच्चे अभी फर्श पर बैठ के पढ़ाई करते हैं,
और जहाँ ना कोई डायरी होती है, ना कोई डिसिप्लिन होता है, और ना ही कुछ एक्टिविटी सिखाई जाती है, वो ऐसे स्कूल में पढ़ती है। बट वो ये है कि मैं उसे अपने तरीके से हैंडल कर लेती हूँ, जैसा कि मैं सिटी से रही हूँ ना, तो मैं अपने तरीके से उसे हैंडल कर लेती। अच्छे स्कूल में क्यों नहीं कुकू का एडमिशन कराया था, क्योंकि मैं कराने गई थी जब उसका एडमिशन, जब वो यानी पीजी में जब आती वो, तब हमारी जो सासू माँ है ना, उन्होंने, वो अपनी ओल्ड थिंकिंग लेके चलती हैं, ये बात नहीं है कि वो बुरा बोलती हैं, पर उनका ये विचार है कि लड़की इतनी दूर स्कूल में जाएगी, पढ़ेगी या नहीं पढ़ेगी, क्योंकि उनके बच्चे भी यही, यानी ये सब है ना, गांव में ही पढ़े हैं। और वो बोली कि यही क्या, और बच्चे नहीं पढ़े गांव में, ये पढ़ लेगी तो क्या है। फिर हम लोगों ने भी पैर अपने पीछे खींच लिए, कहा चलो हमारा जब दूसरा बेबी होगा तो दोनों को साथ करा देंगे। तो अब यही है, तो मेरे बच्चे ज्यादा अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ते। हाँ, तो ये तो थे कुछ मेरी पुरानी वीडियो के कमेंट जो मैंने कल बनाई थी उससे पहले के, और कल वाले आपको पढ़ के बताती हूँ। ये है हमारी बंटी जाट, वैसे इनका नाम कामिनी है और पर इनकी आईडी बंटी जाट के नाम से है। ये काफी प्यारी सिस है, और मैंने एक दो बार इनको, मतलब इनकी बेटी का बर्थडे था, इनकी मैरिज एनिवर्सरी थी, उसके लिए भी मैंने बोला था। तो ये बोल रही थी, अपना ध्यान रखो बहना, कल मोबाइल का बैलेंस खत्म हो गया था इसलिए आज कमेंट कर रही हूँ। तो मेरा मानना ये है कि चाहे आप हो चाहे कोई और हो, पहले पता है घर की चीजें मायने रखती हैं, ये व्लॉग वीडियो ये सब बाद में आता है। और मैं बस ये चाहती हूँ कि आप लोग मुझे बस याद रखो, चाहे मेरी वीडियो कभी भी देखो पर मुझे याद रखो। पर मतलब होता है ना कि मुझे बस भूलो मत। ये नैनीता सिस हैं, अगेन ये बोल रही है, आई लाइक योर व्लॉग सिस, यू आर वेरी हार्ड वर्कर, थैंक यू डियर। और एक है सुनीता किचन, इनका पता है ये अच्छी अच्छी रेसिपी बनाती हैं, ये बहुत ही अच्छी दी हैं, बहुत ही कम बजट में रेसिपी बनाना सिखाती हैं, आप देखना जरूर। क्लीन किरण व्लेस फूड, एक ये सिस हैं, ये भी रेसिपी बनाती हैं और बहुत ही टेस्टी, यानी ये भी कम बजट में बहुत ही अच्छी रेसिपी बनाती हैं। आप कभी देखना इनका चैनल, जाके चेकआउट करना। और नवदीप स्कूल क्लासेस, ये पता है मेरी बहुत बहुत ही ज्यादा पुरानी सिस हैं, जब हम लोगों ने ना चैनल स्टार्ट किया था ये तब से जुड़ी हुई है मेरे साथ। और ये है नेहा श्रद्धा व्लॉग, इनका भी चैनल है। और एक है प्रीति क्रिएशन, ये ना क्राफ्टिंग सिखाती हैं, काफी अच्छी अच्छी चीजें बनाती हैं। और एक सिस है सच्ची में, ये बहुत ही प्यारी है, पता है इनको देखती हूँ और खुद को देखती हूँ, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। इनका नाम है कल्पना फैमिली व्लॉग, सच्ची में बहुत ही प्यारी सिस हैं, और ये अभी न्यू है, आप लोग इनको भी सपोर्ट कीजिएगा, बहुत ही प्यारी सिस है, एकदम रियल व्लॉग दिखाती हैं मेरी तरह, ना कोई फेक ना कोई झूठ कुछ भी नहीं, बहुत ही प्यारी सी सिस हैं। आप इनको देखोगे ना तो आप खुद ही समझ जाओगे, तो आप इनका चैनल एक बार जरूर वॉच करना, बहुत ही अच्छी सिस हैं। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, और प्लीज अगर मैं किसी का नाम नहीं ले पाई हूं, या फिर होता है ना कि कुछ लोग जुड़ते हैं, वो एक मतलब आज कमेंट कर गए फिर 7-8 दिन बाद वीडियो पर आ रहे हैं, तो भाई उनका नाम लेने में थोड़ा सा अजीब सा लगता है, जो कंटिन्यू बने रहते हैं, जो प्यार करते हैं हमें, और कमेंट से ही पता चल जाता है कि कौन हमारी फुल वॉच कर रहा है वीडियो, कौन नहीं कर रहा है। तो उनसे मैं माफी मांगना चाहूंगी। और अगर आप ही, और एक भाई थे मुजफ्फर भाई हैं, वो मुझे बोल रहे थे एक बार, उन्होंने कमेंट किया था कि दी आपने मुझे कभी पिन नहीं किया, तो पता है भाई मैं पिन उन लोगों को करती हूँ जो पहले आके लाइक करता है और कमेंट करता है और फुल वॉच भी करके जाता है, यानी फुल वॉच करके फिर कमेंट कर देता है, तो मैं पिन जो है ना, जो फर्स्ट आता है ना, मैं उनके उनको ही पिन करती हूँ। तो आप भी कभी फर्स्ट आइएगा तो मैं जरूर आपको पिन करूंगी, मैंने इमरान भाई को भी पिन किया है। तो आज के लिए बस इतना ही, तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड राम राम।